हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे अगले ब्लॉग की ओर। और आज है योगा और वर्कआउट का दूसरा दिन। दूसरा दिन में सेम रूटीन वही रहा जो करना था, योगासन, सांस खींचना, सांस अंदर बाहर छोड़ना। और आप बाकी देख सकते हैं मेरे पीछे क्या 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 क्या, क्या है। पूरे पहाड़ी इलाका है, मैं काफ़ी डीप आता हूँ पहाड़ों के अंदर, और पहाड़ों के अंदर डीप है, आने का ज़्यादा कोई होता नहीं है, अकेला रहता हूँ। और आपको आज की लेटेस्ट न्यूज़ बता देता हूँ कि आज सुबह सुबह जब मैं 4 बजे आया तो मैंने देखा कि शमशान में एक और चीता की आग के शोले ठंडे भी नहीं हुए। तो देखो, गाँव में भी बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट हुआ है कोरोना पैंडमिक का। इसीलिए कहता हूँ कि आप घर में रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगासन कीजिए, शवासन कीजिए, और हो सके तो प्राणायाम भी कीजिए, जिससे सांस वगैरह ये चीज़ें वगैरह करते रहिए, जिससे कि आप क्या कर रहा है। तो दोस्तों, अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है, अभी 1 जून कर दिया गया है। बिहार ने बढ़ा दिया है अपना लॉकडाउन, 25 मई तक कर दिया है। और गवर्नमेंट ने क्या किया है कि रिसेंटली जो पब्लिक को सेकंड डोज लगनी थी, वो सेकंड डोज का उन्होंने पीरियड बढ़ा के 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। और मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है, कि उनका प्लानिंग ये होगा कि दूसरी डोज वालों को दूसरी डोज ना दे के जिनको पहली डोज नहीं लगी है तो वो दूसरी वाली डोज पहले वाले को दे देंगे लोग बाग। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट की नई प्लानिंग है शायद कि वो पूर्ति कर पाए उस चीज़ के लिए हैं, और देखो आगे क्या होता है। तो यही है कि देखिए, सेफ रहिए, स्टे रहिए, घर पे रहिए, होम रहिए। और जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और चाहते हैं कि मैं आगे वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करते रहें। और नीचे एक बेल बेल का बटन है, उसको दबा दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप लोग को पहले मालूम पड़ जाए कि मेरा वीडियो आ चुका है, आप देखें उसको। तो देखिए क्या होता है, चलो आपको आगे दिखाते हैं। देखो कि गांव में देखो लोग बाग जब आजकल क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं मिलेगा, रास्ता साफ है फिलहाल। तो चलो देखते हैं। देखिए दोस्तों कि मैं कितना डीप आता हूँ पहाड़ों के अंदर, करीबन यही शायद 1 किलोमीटर का चक्कर हो जाता होगा। वो 1 किलोमीटर अंदर तक मैं आता हूँ। देखिए ये कहाँ, यहाँ पे ये पुराना बड़ है, और सामने अभी आम का सीज़न शुरू होने वाला है, आम शुरू हो चुका है। और ये छोटे छोटे पेड़ इन पर देखो केरियाँ भी लगी हुई हैं। मैं आपको शायद जूम करके दिखाता हूँ, देखो जूम करके देखिए, ये देख सकते हैं आप, देखो कितनी इनके केरी लगी हुई हैं, आम लगे हुए हैं, अभी पके नहीं हैं, छोटे हैं, देख सकते हैं आप। तो अभी आम का सीज़न है यहाँ पे। मैं काफ़ी डीप आता हूँ पहाड़ों के अंदर, देख लीजिए आप कितनी दूर तक आपको पहाड़ी बड़ दिखाई देंगे। इधर सब पहाड़ पहाड़ है ये चारों तरफ, इधर भी देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। मैं पहाड़ों में कितना डीप आता हूँ। लोग बाग अपने आम की रखवाली रखते हैं कि सुबह सुबह आ जाते हैं कि कोई आम वगैरह ना चोरी कर ले, इसीलिए। और देखिए ये एक रास्ता नया बनाया पहाड़ों के अंदर, अगर आपको घूमने जाना हो तो बाइक के थ्रू आप पहाड़ों के अंदर और डीप जा सकते हैं। देखिए नया रास्ता बनाया, अगर जाना हो किसी को पहाड़ों के अंदर, देखो नया डीप और रास्ता बनाया ऊपर पहाड़ों के अंदर, 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आपको एंजॉय हिल स्टेशन के रूप में आप जा सकते हैं। और ये देखो मेरे साथ आया हुआ मेरा कज़न, और ये आम के पेड़ देखो,